क्रिटिकल क्वेश्चन है, इन्होंने एमएससी, ये अंडरलाइन करूंगा यहाँ पर, एमएससी केमिस्ट्री क्यों ही है। अगर आपके एमएससी केमिस्ट्री ऑनर 5 ईयर इंटेग्रेटेड बीएससी एमएससी है ना, बीएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल स्पेसिफिक कुछ नहीं है, अगर एमएससी केमिस्ट्री लिखा हुआ है आपकी डिग्री के ऊपर तो आप किसी कैटेगरी में फिट हो रहे हो। हाँ, जब गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो अलग बात है कि क्या होता है, बीएससी विच सेमेस्टर मैथ्स कीता है, एक सेमेस्टर विच जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स, प्लीज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन। इट मींस आपने किसी भी एक में, राइट नाउ मेरे नेड़े दे कॉलेज विच मैनू माइनर विच मैथ ते लाइफ साइंस अवेलेबल है, व्हाट डू यू प्लीज़ गाइडेंस। मैथ और साइंस ऑफ माइनर लाइफ साइंस अवेलेबल है, इट मींस आपने एक साल वो पढ़ा होगा तो आपकी साइंस तो सीधी बनती है, आपको ये टेबल देख लेना चाहिए। आगे मैंने क्वेश्चन किया था उसका जवाब भी आपने दिया है, गुड। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री करी है, बीएससी 3 ईयर, 2 ईयर एमएससी विच सिंपल बीएससी है, जिस विच काफ़ी कोर्सेज जिमें मैथ फिजिक्स जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी मैथ्स एक्सेट्रा सारे सब्जेक्ट एक एक सेमेस्टर पढ़े आए हैं ना, तो ये एक एक सेमेस्टर जो आपने पढ़ा है ये आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बाद में शायद दूसरे सब्जेक्ट के लिए थोड़ा हो सकता है कि आपको अप्रूव ना किया जाए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, मुझे भी नहीं समझना, मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। एमएससी विच केमिस्ट्री करवाई जाती है, सो ये टेबल से आपके लिए डायरेक्ट गाइडेंस है कि ये आप साइंस ऑफ टीचिंग ले सकते हैं अगर आपकी एमएससी, ये एमएससी का ही टेबल है जिसने मास्टर डिग्री की हुई है, यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है तो आपका मेजर सब्जेक्ट साइंस बनता है। दूसरा आप कह रहे हो मैथ और वो, अब आपने ये सोचना है, ये नहीं है कि अवेलेबल है आपने ले लेना है ना, इसके अलावा आपके लिए नहीं, वापस ही चलते हैं। आप कह रहे हो कि ये मैथ और वो अवेलेबल है, कहाँ गया, एक मिनट। अगर तो आप, अब आपने ये देखना है कि मैथ आप 3 साल का 3 ईयर्स का इलेक्टिव जो है वो एकदम पेपर दे सकते हो, जहाँ अगर लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस के भी आपको 3 ईयर के पेपर बीए के बीएससी के है ना देने होंगे, ग्रेजुएशन के देने होंगे, उसके बाद ही अगर लाइफ साइंस में बॉटनी जूलॉजी या बायोलॉजी में आप करते हो तो आप एलिजिबल पीजीटी के लिए होगे। तो ये आपने डिसीजन लेना है कि आप कौन से ग्रेजुएशन के 3 ईयर के जो है कंप्लीट कर सकते हो, बेशक वो वीएड में करें बेशक बाद में करें, लेकिन उसके बिना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। साइंस लेके भी शायद ये चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, वो तो एक बात हो गई। तो लाइफ साइंस अगर लेते हो तो पीजीटी के लिए जा रहे हो, ये थोड़ा नुकसान है कि दूसरी आपको करनी ही पड़ेगी, केमिस्ट्री हो गई है ना एक दूसरी फिर लाइफ साइंस करनी पड़ेगी, सॉरी जो उस, अगर लाइफ साइंस की आप पीजी नहीं करते पोस्ट ग्रेजुएशन तो इसका आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर मैथ्स की करते हो तो 3 ईयर मैथ्स का दे देते हो तो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ये बेशक थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन स्ट्रीम बदल जाती है, दैट इज़ वाई ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप डिफिकल्टी एरिया से बाहर आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपके पास 1 साल अगर आपने पंजाबी इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो लैंग्वेज आप ले सकते हो, फिर अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको इन्हीं में से चूज़ करना होगा। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी कई बार एक सेमेस्टर के भी बेस पर दे देती है, तो इंग्लिश एडिशनल देना आसान है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स और साइंस, लेकिन अगर आपका नॉलेज और इंटरेस्ट जैसे एमएससी की है ज़्यादा इसमें है फिर आप मैथ और साइंस में से ही चूज़ कीजिए, फिर लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर पंजाब एग्री, अच्छा ये हो गया, यहाँ पर चलते हैं। यस फर्स्ट है सर कंप्लीटेड बीए विद सब्जेक्ट पंजाबी इंग्लिश हिस्ट्री है रिलीजन है पंजाबी इलेक्टिव है, पंजाबी इलेक्टिव जहाँ आता है उसको आप माइनर लेके पक्का कर दो, लॉक कर दो, ये लॉक हो गया। ओके तो हिस्ट्री एंड रिलीजन बोथ आर सोशल साइंसेज, एसएसटी आपका बन रहा है,
लेकिन रिलीजन जो है पंजाब गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के जो 7 सब्जेक्ट हैं एसएस के, उसमें रिलीजन नहीं आता, ये वाला रिलीजन इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर क्रॉस लग गया। इट मींस अगर आप पीएसटेट करके, पीएसटीईटी करके एलिजिबल बनना चाहते हो पंजाब में गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको हिस्ट्री के साथ साथ एक और सोशल साइंसेज, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से बीए का एडिशनल देना पड़ेगा। नॉर्मली ये कोई भी नहीं बताएगा, वो कहेंगे आप एलिजिबल हो गए हो, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप बीएड के लिए 2 साल हैं आपके पास सुरक्षित, तो बीएड में करते करते ये एडिशनल दे दीजिए। ये क्वेश्चन पूछने का आपको 1 साल का फायदा ये हो सकता है। तो आपका बना मेजर एसएसटी बनता है सभी कॉलेज में, और पंजाबी नहीं छोड़ना, यही है एसएसटी और पंजाबी, ठीक, और एडिशनल पेपर आपने देना है। नेक्स्ट है गॉट वंस अगेन है ना, आई हैव क्वेश्चन बीएससी नॉन मेडिकल एंड एमएससी मैथमेटिक्स, आई वॉन्ट टू चूज साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है, हाँ सर, आल्सो वॉन्ट टू चूज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर, बट देयर इज ए फिजिकल साइंस एज ए मेजर सब्जेक्ट एंड नॉट साइंस, सो वट शुड डू, आई एम एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट मैथ्स टीचर एंड टी जी टी, आई एम आई एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट मैथ टीचर टी जी टी पी जी टी आफ्टर चूजिंग फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स? यस, आप नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल में एमएससी मैथ्स है, एमएससी मैथ्स को मत छोड़िए आप, इट मीन्स नॉन मेडिकल है, मैथ्स यहाँ भी पढ़ा हुआ है ना, मैथ्स आपका प्राइमरी हो गया, मैथ को प्राइमरी चूज़ कीजिए और साथ में साइंस, मेरे ख्याल में आपको यही चूज़ करना चाहिए। आप क्या चूज़ करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू चूज़ साइंस एंड मैथ। देखिए, या तो मैथ एंड साइंस या साइंस एंड मैथ, कोई भी चूज़ कर लीजिए, दोनों आपके मेजर सब्जेक्ट बनते हैं। आपने ये देखना है कॉलेज किस में अवेलेबल है। मैंने जो वीडियो पाया है जो चॉइस फिलिंग का, उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज में फिल किया था, वहाँ पर लाइफ साइंस भी माइनर में नहीं अवेलेबल, मेजर में ही है, मतलब मैथ और साइंस का सीधा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अवॉइड करना चाहिए। ये डिफ़िकल्ट है पर सुजेशन है, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तो फाइट करना चाहते हो, अगर किसी प्राइवेट है ऐसे में ट्यूशन करके गुजारा करना है, फिर कोई बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए फ़ाइट करना है तो बेस्ट है आपका, बहुत अच्छा है, एमएससी मैथ्स है, नहीं छोड़ना, कॉलेज चेंज कर लीजिए, कॉलेज जिसमें मिलती है। तो अब आपको आप पूछ क्या रहे हो, आल्सो वांट गवर्नमेंट कॉलेज, ये नहीं बनेगा, ये हो गया आपका। आई एम एलिजिबल फॉर मैथ टीचर, अगर मैथ आप करते हो, देखिए आप किस किस के लिए एलिजिबल हो, आपने एमएससी मैथ की हुई है ना, इसके बेस पर आप ये ग्रेजुएशन के मैथ के बेस पर आप टीजीटी के लिए मैथ्स के लिए एलिजिबल हो, और पीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपने एमएससी की हुई है, और साइंस आपने की हुई है वो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। आपका बेस्ट, इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है कि 3 के लिए बीएड करते सारे एलिजिबल हो जाए। तो आप हो गए टीजीटी 2 हैं और पीजीटी 1 मैथमेटिक्स के है, दैट इज़ वाई डोंट जो है ये कॉम्बिनेशन है, डोंट लीव इट, इसको साथ ही रखना है, कॉलेज लीव कर दो लेकिन ये नहीं लीव करना। सर मेजर बट ठीक, लेस वैकेंसीज, जियो, आई वॉन्ट टू जियो ज्योग्राफी एज माय मेजर सब्जेक्ट, बट आई थिंक देयर इज़ ए लेस वैकेंसी इन ज्योग्राफी पीजीटी। यस, आई एम ग्रेजुएट इन ए इकोनॉमिक इलेक्टिव, इकोनॉमिक्स है ना, इलेक्टिव इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, डिड मै एमएससी जियो। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, आप एसएसटी के साथ एसएसटी कीजिए, साथ में आपने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है ना, तो इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट लीजिए, इसको मत छोड़ो। बीएड करने के बाद बीएड का एडिशनल पेपर किसका देना है आपने? ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का, ठीक। तो यही बेस्ट है आपके लिए, अभी आप इनके लिए फाइट कर लो, क्योंकि जॉब्स आएंगी इसकी ज़्यादा आएगी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी, दैट इज़ वाई ज्योग्राफी से आप क्या कर दोगे, एसएसटी को किल कर दोगे। अगर इसको किल कर दिया तो आप इंग्लिश की पोस्ट के लिए सिर्फ रह जाओगे। यहां पर एसएसटी लेके ये कीजिए, और साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है, नहीं बीएड का है, बीएड के बाद ही होगा, यही है आपके लिए। नेक्स्ट है
ये रहा जसलीन कौर जी, सर स्टडी मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बीएससी, अगर मैं फिजिकल साइंस एज ए मेजर सब्जेक्ट लेनी है तो मैं टीजीटी फॉर साइंस के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं, आप फिर एलिजिबल नहीं हो। अगर आप फिजिकल साइंस लेते हैं, ये भी फिजिकल साइंस, फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिजिकल साइंस की जो ब्रांचेस हैं वो करनी पड़ेगी आपको हर हालत में, क्योंकि आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है। राजे ये मत छोड़ो, आप साइंस लो, साइंस मेजर सब्जेक्ट आपका हो गया मेजर, है ना, और आपका माइनर सब्जेक्ट मैथ्स हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है आपका मैथ्स मेजर सब्जेक्ट हो गया, कॉलेज देखना है जहाँ पर साइंस अवेलेबल है, और साइंस आपका माइनर हो गया। अगर मैथ्स के साथ आप फिजिकल साइंस लेना चाहते हो तो आप साइंस के लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो, कोई एडिशनल नहीं देना पड़ गया, ये भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। बाद में आप बीएड करके आप बीएड का फिजिकल एजुकेशन का जो है ना, फिजिकल साइंस का, फिजिकल साइंस का आप दे दो एडिशनल पेपर बीएड का, तो फिर आप उसके वो, ये भी है कि आप जब एडिशनल ये दे रहे होगे तो आप जो पता नहीं अपने की है एमएससी की हुई है कि नहीं, एमएससी साथ में कर सकते हो, क्योंकि ओपन से अगर एमएससी होती है, ओपन से पता नहीं होती है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आपको वो जॉब भी कम होंगी, तो पहले आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जो साइंस और मैथ्स लेके, बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, ठीक। सर मैं बीए ग्रेजुएशन मैथ पॉलिटिकल फिजिकल एजुकेशन पढ़िया है, गुड है, लेकिन आपका इंटीग्रेटेड नहीं बन रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं आपने बताई है ना, यूनिवर्सिटी अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जहाँ उसमें हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो फिर आपको ये रहेगा पॉलिटिकल साइंस का आपका एसएसटी बन जाएगा, और एसएसटी के साथ बहुत कम कॉलेज में है फिजिकल एजुकेशन आपका सेकेंडरी बन जाएगा। अगर आप गुरु नानक यूनिवर्सिटी में हो तो आप ये मैथ, इट मींस अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बोला है तो पंजाब, पटियाला और गुरु नानक तीनों में मैथ आपका मेजर बन रहा है, ओके। तो मेरे ख्याल में मैथ नहीं आपको छोड़ना चाहिए, मैथ के साथ आपको एसएसटी नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है, मैथ के साथ पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथ के साइंस फिजिकल साइंस, यहाँ पर मैथ के साथ लैंग्वेज है और एसएसटी के साथ फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन के साथ लैंग्वेज है, ये आपके कॉम्बिनेशन वैसे बन रहे हैं, आप सारे नोट कर सकते हो। अगर तो वो है आपकी यूनिवर्सिटी पंजाबी और पटियाला, फिर एसएसटी बनेगा, यहाँ पंजाबी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये वाले बन गए, है ना, आपके मैथ्स लैंग्वेज ये बन रहा है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए, ये मत लेना, ये क्वेश्चन मार्क वाला वीक है, ये भी आपको एडिशनल करने पड़ेगा, वीक है। तो आपका म्यूज़िक नहीं है, फाइन आर्ट्स नहीं है, एसएसटी फिजिकल एजुकेशन है, पंजाबी यूनिवर्सिटी में बन रहा है, थोड़ा सा वीक है। फिजिकल एजुकेशन लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, होम साइंस, पब्लिक एड, एग्रीकल्चर, आपका कोई भी और नहीं बन रहा, आपके ऑड कॉम्बिनेशन है, ये कहाँ से पढ़े आपने कहाँ से पढ़े हैं, और बीए ऑनर्स का है, ये नहीं है, मैथ का, बीए बीटेक का, लैंग्वेज का है, आपको ये नहीं मिलेंगे, ये हो गया। तो आपको वापस जा के देखते हैं क्या बन रहा है, यहाँ पर ये रहा आपका, हाँ अब आपका कॉम्बिनेशन क्या है, मैथ के साथ पॉलिटिकल साइंस नहीं है, अगर मैथ लेना है तो फिजिकल एजुकेशन भी आपके पास नहीं है, इनमें से तीन में से, तीन साल पढ़े हैं आपने, तीन में से एक प्राइमरी चूज़ कीजिए, अगर मैथ में अच्छे हो कम्पीट कर सकते हो। आप क्या सोचो, पहले आप सोचो कि टी ई टी में 60 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आने हैं, 15 वैसे पेडागोजी ऑफ मैथ्स के होंगे, 45 जो होंगे प्योर मैथ्स के होंगे, प्योर मैथ्स नहीं, इसमें से प्योर मैथ्स प्लस साइंस भी होंगे, साइंस और मैथ दोनों कंबाइन होंगे, ये बात एक समझ लो। मैथ्स 45 क्वेश्चन आधे मैथ्स के होंगे और आधे साइंस के होंगे, अगर कर सकते हो तो मैथ को मत छोड़ो। टीजीटी ऐसे ही क्लियर होगा, टीईटी के बाद आपको सिलेक्शन टेस्ट जो है, सिलेक्शन टेस्ट क्लियर करने के लिए प्योर मैथ्स ही सारा पढ़ना पड़ेगा, 150 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जिनमें से पिछली बार मेरिट गई थी 118 हाईएस्ट टॉपर की, ओके। तो ये चैलेंजेस है, अगर ये चैलेंजेस आप स्वीकार करते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैथ को मेजर ले लो, ये मैं कह रहा हूं। अगर नहीं
तो फिर आप अगर तो गुरु नानक में हो तो ये शिफ्ट नहीं यहाँ कर सकते, अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी में हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है तो इसका फिर SST आप ले सकते हो। SST के साथ फिजिकल एजुकेशन लेना, लैंग्वेज नहीं लेना। मैथ के साथ आपको लैंग्वेज ही लेनी पड़ेगी, अगर कोई कॉलेज अवेलेबल है तो वहाँ बात कर लेना, अदरवाइज मैथ के साथ लैंग्वेज ही, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश जहाँ पंजाबी आप लोगे, ये बात है। अब आप बड़ा यूनिक है, मेजर आपका मैथ भी बन रहा है, मैथ के साथ लैंग्वेज ही लोगे इंग्लिश या पंजाबी। अगर आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट करना चाहते हो तो मेजर पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का GNDU में नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी में ये बन सकता है, और साथ में फिजिकल एजुकेशन लो। तीसरा, इसके बाद आप फिजिकल एजुकेशन को भी मेजर ले सकते हो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के साथ पॉलिटिकल साइंस ये नहीं मिलेंगे। हाँ, इसके साथ फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगी, तो इसके साथ फिर आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये आपको रिजेक्ट करना चाहिए, इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ओके, आगे कोई क्वेश्चन हो आप सोच सकते हो, पूछ सकते हो। सर मैं BA पॉलिटिकल साइंस पंजाबी इलेक्टिव फिजिकल एजुकेशन विच कीती है, मैनू एडिशनल एग्जाम देना पैना है, किहड़े सब्जेक्ट एडिशनल एग्जाम देना चाहिदा है, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, बिल्कुल देना पैना है। तुसी हुण मेजर सब्जेक्ट केड़ा लेने हैं, तुसी यूनिवर्सिटी नहीं दसी, अपनी यूनिवर्सिटी जरूर दसो। जेकर यूनिवर्सिटी GNDU है, ओके GNDU है, फिर तुहानू फिजिकल एजुकेशन मेजर लैके पंजाबी माइनर लेना चाहिदा है। ये दोनों नहीं छड़ने, पंजाबी ने तुहाडा ज़्यादा साथ देना है TGT लिए एलिजिबल हो, ये माइनर हो गया। ओके, ये तुसी एलिजिबल हो गए TGT लिए, ये भी एलिजिबल हो गए TGT लिए गवर्नमेंट जॉब लिए। जेकर तुहाडी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ते PUP है, पटियाला है, तां तुसी पॉलिटिकल साइंस इहदे बेस ते लै सकते हो, पॉलिटिकल साइंस दे बेस ते SST लै सकते हो। SST दे नाल जिवें मेरे कॉलेज भी है, SST दे नाल हुण तुसी पंजाबी भी लै सकते हो, पंजाबी प्रैफर करनी चाहीदी है। दूसरा, SST दे नाल फिजिकल एजुकेशन भी लै सकते हो, पर बाद विच पॉलिटिकल साइंस तुसी दे नाल तुहानूं एक एडिशनल पेपर देना पएगा, जे इहदी SST बनानी है इहनां यूनिवर्सिटियां 'च है, वह हिस्ट्री का ही देना है तुसी, बस होर कोई नहीं देना। तो ये एडिशनल पेपर देन पैणगे, फिजिकल एजुकेशन का कोई एडिशन नहीं है, पंजाबी का कोई एडिशन नहीं है। जे पोलीटिकल साइंस की SST बनाने हैं तो तुहानूं एडिशनल पेपर देना पएगा। सर BEd एंट्रेंस टेस्ट चंडीगढ़ का रिजल्ट आ गया है, पेपर बहुत वधिया, स्कोर 33 बन गए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडमिशन हो जाऊ कि नहीं? स्कोर 33 ही बने ने, ये मैनू नहीं पता तुसी किहड़ी गल कर रहे, चंडीगढ़ का स्कोर किन्नियां चो है, रैंक की है, मैनू पता नहीं। सर मैं BSc ग्रेजुएशन विच मैथ इकनोमिक्स कंप्यूटर साइंस 3 साल पढ़े है, प्लीज़ सबजैक्ट कॉम्बीनेशन दस दो। मैथ तुहाडा मेजर बनेगा, मेजर तिना यूनिवर्सिटियां विच TGT लिए एलिजिबल बन रहे हो। ओके, कोई एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। मैथ्स दे नाल तुसी कंप्यूटर साइंस लेंदे हो, पोस्टां घट निकलियां, लेकिन हुण कहिंदे है इहदी हो चुकी है कि इहदे लई BEd चाहीदी है। सो मैथ्स कंप्यूटर साइंस लेंदे हो माइनर ते TGT यही बनता है। जे तुसी मैथ इकनोमिक्स लेंदे हो तां MA इकनोमिक्स जां MSc इकनोमिक्स करन तो बाद तुसी PGT लिए एलिजिबल होवोगे। ए वाली इकनोमिक्स की दिल्ली थोड़ी दूर है, कंप्यूटर की दिल्ली नेड़े है, दैट इज़ वाई प्रैफर मैथ एंड कंप्यूटर। पर जे तुहाडा इकनोमिक्स इंट्रस्ट ज़्यादा है तो मैथ एंड इकनोमिक्स तुसी चूज कर सकते हो। नैक्सट है, सर मेरे इलैक्टिव इंग्लिश एंड SST कॉम्बीनेशन आ गए, काइंडली सुजैसट मी मास्टर कैडर लई, मैनू किस सबजैक्ट की प्रैपरेशन। हाय रब्बा, गुड क्वेश्चन, ओए शाबाश। हाँ, मेरे इलैक्टिव इंग्लिश ते SST कॉम्बीनेशन आ गए हूँ, तुसी ये नहीं दस्या कि तुहाडा हो चुका है BEd हो चुकी है तुहाडी कि नहीं, और तुसी इलैक्टिव इंग्लिश है, दूसरा किहड़ा है SST है। राजे दोनों ही अच्छे है, SST लई इहदी तैयारी मैं करवावांगा, NCERT ओके ग्रेजुएशन दियाँ, BA दियाँ, SST दियाँ, और एडिशनल पेपर जो है दूसरी स्टेट्स दे हैं वो सॉल्व, इस तरह की तैयारी होएगी, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लिए तुसें तुहानू इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ना पैना है,
ये थोड़ा दूर जाना पाएगा इंग्लिश लिए। इंग्लिश लिए तो ग्रेजुएशन चो नहीं सरेगा तो ईवन जरा एनसीईआरटी चो सिर्फ नहीं सरेगा, तो ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन ज़्यादा पढ़ना पड़ना है। यदा स्कोप जोड़ा है नॉर्मली नैशनल लैवल का होएगा, नो डाउट बार दियाँ भी घटनावान पूछिया जाए, पर यदा इंटरनेशनल लिटरेचर ही पढ़ना पैना है। सो मेरे ख्याल न बैटर है। दूसरा अपने आप तो पुछो कि नॉलेज एरिया किधर बैटर है, इंटरस्ट थोड़ा ज़्यादा किधर है, टीच किस ज़्यादा करते हो, क्योंकि दूसरी गल है कि पोस्टा लगभग एको जी निकल दया ने। हाँ एक ये हो सकता है कि कैंडीडेट एस एस टी ज़्यादा अपीयर होंगे ने क्योंकि ज़्यादा मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है, इंग्लिश घट होंगे ने। ये हम तुम प्रेफरेंस बनानी है। मैं तो ये कहना है जिदे विच नॉलेज ज़्यादा है, राजे एक गल सुन लो कि एक सिलेक्शन टेस्ट लई टीईटी विच तां कोई गल नहीं 60 क्वेश्चन होने ने, ओके 60 विचों 45 क्वेश्चन तुहाडे सब्जेक्ट दे होने हैं, लेकिन जिहड़ा सिलेक्शन टेस्ट है उसके 150 क्वेश्चन सिर्फ तुहाडे सब्जेक्ट दे ही होने हैं। ये देखो कि तुसीं इंग्लिश दे मास्टर ज़्यादा हो 150 नाल लड़ना है जां एस एस टी दे मास्टर ज़्यादा हो। ठीक 125 30 40 तक 45 तक मैरिट, पिछली बार एस एस टी दी 145 तक गई है मैरिट, 145 एदे चो देखो हुन इन्ना कॉम्पीटिशन कर सकते हो। मेरा कॉम्बीनेशन एस एस टी ते इलेक्टिव पंजाबी बन सकता है जी। राजे तुसी ये दस्या ही नहीं है तुसी की पढ़िया है, एस एस टी पंजाबी बिल्कुल ठीक है, जेकर तुसी दो सोशल साइंसिज फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पोल साइंस और ज्योग्राफी जां इकोनॉमिक्स जां जिहड़ी है सोशियोलॉजी पब्लिक एड एनवायरमेंटल साइंस ये सत्तां चो पढ़िया होन तां बैटर है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने यह रखिया हुई हैं। इलेक्टिव पंजाबी लिए कुछ नहीं करना पैना, टी जी टी लिए तुसी एलीजिबल हो, गुड कॉम्बीनेशन है। ओके नैक्सट है मनप्रीत सिंह, सर मेरा ग्रैजुएशन विच हिस्ट्री पोलीटिकल साइंस इलेक्टिव हिंदी है, वेरी ईजी एंड गुड। ये तुहाडा स्कूल सबजैक्ट ने एस एस टी बनता है, टी जी टी लिए एलीजिबल हो, कुछ भी अडिशनल करना नहीं पैना। इधर भी तुसी टी जी टी लिए एलीजिबल हो, कुछ भी अडिशनल जिहड़ा है कोई नहीं करना पैना, मैं क्रॉस किया नहीं करना पैना। ओके सो बेस्ट सब्जेक्ट है। एम ए पोलीटिकल साइंस की है, पी जी टी ते टी जी टी सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन इन बी एड प्लीज़ गाइड मी। देखो तुसी पहला टी जी टी लिए एलीजिबल होवो, पी जी टी पोलीटिकल साइंस लिए बी एड करन तो बाद एंड हो गया, ए हो गया साल, ए हो गया दो साल, और इत्थे इस्ते तुसी अडिशनल पेपर देना है बी एड का, है ना, बी एड का कादा पैडागोजी ऑफ पोलीटिकल साइंस, ये तुहाडी गाइडेंस बनती है। उहदे नाल तुसी एम ए की हुई है ऑलरेडी, पी जी टी लई बाद च एलीजिबल हो जाओगे। यही स्टैप फॉलो करो, इस तो इलावा होर कोई चॉइस विच ना जाओ। नैक्सट है सर मैं बी ए विच इलैक्टिव पंजाबी सोशियोलॉजी फिजिकल एजुकेशन, मास्टर भी पंजाबी च कीती हुई है, मास्टर पंजाबी च कीती हुई है, तो इनू तुसी नहीं छड़ना। कारण यह है कि जे पंजाबी कीती हुई है टी जी टी लिए एलीजिबल हो गए, पी जी टी लिए एम ए कीती हुई है, दोवां लिए तुसी एलीजिबल हो गए। हुण है कि तुसी यूनिवर्सिटी केड़ी है मैनू नहीं दस्या, क्योंकि तुसी सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, जे सोशियोलॉजी दे बेस ते पंजाब ते पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी जाके एस एस टी ले लेंगे तो की नुकसान होने तू सोशियोलॉजी। हाँ वो है तू एक अडिशनल पेपर देना पेगा बाद पहला तो एक फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ज्योग्राफी का ही देना पेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकनोमिक्स पोलीटिकल साइंस इचों ही देना पेगा। हिस्ट्री में प्रैफर करो, सेंटर गवर्नमेंट लिए भी एलीजिबल बन जाऊगा, तो ये एडिशनल करना पेगा। इस तरह तुम जे वो यूनिवर्सिटी हो तो सोशियोलॉजी बेस से एस एस टी मेजर माइनर पंजाबी लो, बिल्कुल ठीक है। जेकर तुम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो तो यदा स्कोप थोड़ा खत्म है, क्योंकि पोलीटिक जी है पैडागोजी ऑफ पोलीटिकल साइंस है वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी तो पटियाला यूनिवर्सिटी है, होर कित नहीं है। ये पी जी टी लिए एलीजिबल होना है तुम पैडागोजी ऑफ सोशियोलॉजी, पर उसकी जगह एस एस टी ही ले लेनी चाहिए है, बैटर है। जे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो तो कोई चारा ही नहीं है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो तो फिजिकल एजुकेशन थोड़ा मेजर बनेगा सब्जेक्ट और माइनर थोड़ा बनेगा इलैक्टिव, तीजा कुछ नहीं सोचना, यही रहेगा थोड़ा। नैक्सट है सर ये पी डी एफ लिंक आप अपलोड करो जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन लिखा हुआ है, चलो मैं कर दूंगा, टाइम लगेगा मैं कर दिना। सर अडिशनल पेपर दे लई एलीजिबिलिटी की है, अडिशनल केड़ा बी एड का, जे बी एड का है बी एड की होवे
बीएड दे कीती होवे, मान लो तुसी एसएसटी करना है एडिशनल बीएड विच, ते तुसी दो सोशल साइंसेज मान लो हिस्ट्री पंजाबी सॉरी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है ना, इन्हां चो कोई दो पढ़िया हो फिर तुसी बीएड दा दे सकदे हो। इसे तरह तुहानू सब्जेक्ट दसने पैणगे फिर है। जेकर तुसी बीए दा देना है कुछ नहीं है, बीए तुसी कीती होवे कोई भी एडिशनल तुसी दे सकदे हो, बाकी यूनिवर्सिटी दे है प्रैक्टिकल दे सकदे हो कि नॉन प्रैक्टिकल। सर बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स की है, मुझे पूछना है कि अगर स्टेप क्या होगा एडमिशन लेने के लिए। सर प्लीज़ रिकमेंड कि साइड बाय साइड सब्जेक्ट कौन सा होगा। आपका मैंने वीडियो डाल दिया है अलग में से क्या स्टेप्स होंगे। आपकी बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स है तो ये अभिविस आपका मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट बनेगा, तो मेजर सब्जेक्ट बनता है। बाकी आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं मुझे नहीं पता, अगर नहीं है तो फिर लैंग्वेज आप कोई लेते हो, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ले ली है तो इंग्लिश आप साइड बाय साइड इंग्लिश जो है बीए का आप साइड बाय साइड दे सकते हो, ये बात मैंने कही थी। ठीक है, तो इंग्लिश साइड बाय साइड दोगे जब बीएड हो जाएगी तो इंग्लिश के टीचर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। सर मेरा फाइन आर्ट्स ते इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ठीक है। हाँ जी ठीक है जी, फाइन आर्ट्स की जॉब कम होती हैं लेकिन टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो, इंग्लिश का बेटर है कि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो अगर आपने इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है तो, ये बात याद रखना। जनरल है तो जनरल हुई तो आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप टीईटी की तैयारी कीजिए साथ साथ में और सिलेक्शन टेस्ट की साथ साथ में तैयारी कीजिए, ये ज़रूरी है। सर प्लीज़ रिप्लाई, मैंने एमकॉम की हुई है, मैं मेजर में टीचिंग ऑफ कॉमर्स लूँगी पर माइनर में क्या लूँ, क्योंकि हमने इंग्लिश एमकॉम में नहीं थी बस ग्रेजुएशन लेवल में थी इंग्लिश और मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहती हूँ प्लीज़। आपने ये नहीं बताया कि पीजीटी किसके लिए, इंग्लिश के लिए। अगर आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं आपका कॉम्बिनेशन यही बनता है, मेजर आपका हो गया कॉमर्स, ये हो गया मेजर कॉमर्स टीचिंग ऑफ कॉमर्स है ना, ये मेजर हो गया, ये बिल्कुल ठीक आप कर रहे हो, ये तो हो गया। दूसरा इंग्लिश ही लीजिए, इंग्लिश का साथ में आप एडिशनल पेपर दीजिए जब आप बीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं दो साल हैं ये शुरू हुई यहाँ दूसरा साल, और इसी में साथ में आप बीए का एडिशनल पेपर दीजिए। ठीक है, तो आप जब बीएड हो जाएगी बीए का एडिशनल इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो जाएगा तो आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। पीजीटी के लिए आप एमकॉम की हुई है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए है करना चाहते तो पहले ग्रेजुएशन का एडिशनल इंग्लिश का दे के बाद में एमए इंग्लिश करो, एमए इंग्लिश करके फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट है आपके लिए, यस सर मेरे बीए विच इलेक्टिव हिंदी पॉल साइंस एंड हिस्ट्री है, एमए पंजाबी कीती हुई है, बहुत अच्छा है, एमए पंजाबी इलेक्टिव हिंदी ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सर मेरा कॉम्बिनेशन भी बनेगा प्लीज़ दस दो, मेरा स्कोर एंट्रेंस 82 हैगा जी, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक गड़बड़ है, ये तो आपका बहुत अच्छा बन गया पॉल साइंस और हिस्ट्री का एसएसटी तो आपका पक्का बन गया, लेकिन मैं आपको क्या सुजेस्ट करूँ, हिंदी सुजेस्ट करता हूँ कि आप एसएसटी के साथ हिंदी ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों आप टीजीटी इसके लिए और टीजीटी हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो गए हो। बाद में ये करने के बाद आप एडिशनल पेपर दो बीएड करने के बाद बीएड का, और उसमें क्या दो टीचिंग ऑफ पंजाबी ये वाला यो वो दे के आप जो पंजाबी के लिए जो है टीजीटी लेकिन हाँ अगर आपने अब मेरे ख्याल में वो इलेक्टिव पंजाबी नहीं, आपको सॉरी आपको यही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। एमए पंजाबी का फ़ायदा तभी होगा अगर आप ये ध्यान में रखना, थोड़ी गलती करने लगा था मैं, बीए में पंजाबी अगर इलेक्टिव 3 ईयर के आप पहले दो, ये पहले दो, फिर इसके बाद ये बीएड का टीचिंग ऑफ पंजाबी का करो, फिर आप
पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए पंजाबी के लिए एलिजिबल हो गए। पहले यही देना चाहिए, ये देने के बाद आपको ये करना चाहिए, यही स्टेप आपके बनेंगे। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला कंपलसरी, ग्रेजुएशन एमए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो पंजाबी कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, फिलोसफी पब्लिक एट पंजाबी लिटरेचर पढ़िया नाल कीती, एमए पंजाबी कीती हुई है सर। मेरा बीएड विच मेजर ते माइनर सब्जेक्ट की बनूंगा, ते मैं मेजर एसएसटी ते माइनर पंजाबी सिलेक्ट कर सकदा हाँ, प्लीज़ दस दो टीजीटी पीजीटी लिए एलिजिबल। बिल्कुल तुहाडा सही सिलेक्शन है, एक सुजैशन बनना है। फिलोसफी ते पब्लिक एड तुसी पढ़िया होया है, तुहानू इहदे बेस ते एसएसटी मिल गई। एसएसटी लिए तुसी टीजीटी लिए एलिजिबल फिर भी नहीं बने पंजाब गवर्नमेंट लिए। कारण यह है कि दो स्कूल सब्जेक्ट्स जो तुसी एक भी नहीं पढ़िया, ना फिलोसफी स्कूल सब्जेक्ट है ना पब्लिक एड स्कूल सब्जेक्ट है। तुहानू एक स्कूल सब्जेक्ट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड च करन लई हिस्ट्री ही करना, हिस्ट्री करके तुसी अडिशनल अडिशनल किहदा बीएड बीए दा बीए दा बेशक नालों नाल कर लेना, करके तुसी सेंटर गवर्नमेंट विच स्टेट गवर्नमेंट पंजाब विच दोनों जगह पर एस एस टी लिए एलिजिबल हो जाओगे। हुण बी एड च तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पंजाबी तुहाडा बेस्ट है। तुसी एम ए भी शायद पंजाबी कीती हुई है और लिखिया एम ए पंजाबी, एम ए पंजाबी का इन्ना वधिया है कि टी जी टी भी एलिजिबल हो गए, एम ए दे बेस ते तुसी पी जी टी लिए भी एलिजिबल हो गए। सो ये तुहानू अडिशनल हिस्ट्री करना ही पैना है हर हालत विच। सर मैंने एम एस सी मैथ्स कंप्लीट की है, मेरे सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन की होंगे? लेकिन तुसी ग्रेजुएशन दे सब्जेक्ट दसो ना, एम एस सी की हुई है तो यह मतलब है कि तुसी मैथ्स जरूर लोगे, पर मैं अधूरी है गाइडेंस दे नहीं सकता। मैंने हुण ग्रेजुएशन दे तुसी वो दसो जेड़े तीन साल तुसी पढ़े ने सब्जेक्ट, ओके एज इलेक्टिव, फिर मैं दस सकता हाँ। जो वो सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है नाल इकनोमिक्स है, मैथ्स है नाल तुसी पंजाबी इंग्लिश है कुछ इस तरह का पढ़िया है, तो फिर नैचुरली तीन साल वाला माइनर सब्जेक्ट तुसी चूज़ करना, मैथ्स थोड़ा मेजर सब्जेक्ट होएगा। लंबा हो गया वीडियो, मेरे ख्याल इतने विराम दिए, इस नैक्सट वीडियो इसे कंटिन्यू करना है। थैंक यू।